अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट मुफक्किर आफाक लाशारी एंड अगेन यू आर वाचिंग इल्मे सादिक एकेडमी यूट्यूब चैनल। यू नो वेरी वेल अपडेट के वाले से, सो छोटी सी रिक्वेस्ट होगी चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल बिल्कुल फ्री में है, तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। चलें जी बात को स्टार्ट करते हैं। सिंध गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला है जो कि बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझसे पूछ रहे थे पर्सनली कि सर ये बता दें कि कल छुट्टी है, हॉलीडे है या नहीं, क्या सीन है इसका पूरा। तो नोटिफिकेशन आकर निकल आया कि देखें प्राइवेट पब्लिक जो भी यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल्स हैं उनको बंद किया जाएगा, ठीक है, वो क्लोज रहेंगी गवर्नमेंट के हवाले से। तो पूरा सीन जो है वो मैं आप लोगों को नहीं बता रहा कि भाई आगे जो इसमें मेन थीम है वो मैं आप लोगों को पढ़ के सुना रहा हूँ ताकि उसका मकसद जो है वो क्या है आप लोग ख़ुद भी समझ सकते हैं इस बात को। तो इसमें है इन परसिनेंस ऑफ द डिसीशंस टेकिंग द स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग ऑन एजुकेशन हेल्ड 2022 सेकंड फरवरी 2022 ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट शैल रिमेन क्लोज ऑन ट्यूसडे। वो ट्यूसडे 1 मार्च को जो है वो इसको क्लोज़ किया जा रहा है। ऐसे के अंदर जो उसका बेसिस है वो शब महराज डे है, 27 रजब, ठीक है। सो आप लोगों ने समझ लिया कि भाई देखें स्कूल इंस्टीट्यूट प्राइवेट पब्लिक जो भी हैं वो क्लोज़ रहेंगे, ज़ाहिर है तो यूनिवर्सिटी भी क्लोज़ रहनी चाहिए, तो यूनिवर्सिटी भी क्लोज़ ही रहेगी। कुछ कैंडिडेट्स जाएंगे तो कोई मसला नहीं है, बट मतलब जाना वो नहीं होगा क्योंकि अभी तो नोटिफिकेशन निकला है, बट यूनिवर्सिटीज़ का जो ओपनली निकलता है नोटिफिकेशन वो अभी तक नहीं निकला। अगर निकला तो हम आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे, अदरवाइज़ जो गवर्नमेंट में अनाउंस किया है वो जो पब्लिक या प्राइवेट जो भी कॉलेजेस स्कूल्स हैं वो क्लोज़ रहेंगे। थैंक यू।